नमस्कार, मैं अनिल, स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम पास करे द्वारा संचालित हरियाणा के सीईटी स्पेशल बेंच में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा, हमने हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ लिया, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन। कैसे हरियाणा का गठन हुआ, क्या क्या आधार रहे हरियाणा के गठन में, और क्या क्या जो है वो हमें दुविधा का सामना करने पड़ा, आज इस क्लास में पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है 1858 की। 1858 में हरियाणा जो है वो किसका हिस्सा था, यूपी का हिस्सा था, यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने बहुत बदलाव किए अपने क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या किया कि यूपी से कुछ एक हिस्सा काटकर पंजाब में मिला, यानी आज का हरियाणा 1858 के बाद पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है हरियाणा को अलग करने की सबसे पहली बार मांग कब उठी, ये पेपर में बार बार पूछा गया है कि हरियाणा को सबसे पहले अलग करने की मांग कब उठी, तो ये उठी 1925 में। कब उठी, 1925 में। 1925 में जो है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, किसका होता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है पर होता है, ये होता है दिल्ली में। कहां पर होता है, दिल्ली में, जिनके एक सदस्य होता है जिनका क्या नाम होता है, पीरजादा मोहम्मद। क्या होता है, पीरजादा पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया कि इन्होंने मांग उठाई सबसे पहले 1925 के अंदर, कहां पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, कि हरियाणा के पार्ट को काटकर दिल्ली में मिला दिया जाए। कहां पर, दिल्ली में मिला दिया जाए। इन्होंने कहा कि हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। ये प्रश्न अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बार बार पूछता है, बस इस प्रश्न को ध्यान में रख लेना है। इसके बाद जो है, क्योंकि आप इस क्लास में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पर्सन है वो डिस्कस कर रहे हैं, इन डिटेल हरियाणा जी के करवाएंगे बहुत जल्दी। इसके बाद जो है हमें आजादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को, और आजादी के जस्ट बाद जो है पंजाब के सीएम होते हैं, कौन होते हैं, भीमसेन सच्चर। आजादी के बाद जो है उस समय के संयुक्त पंजाब, यानी आज का हरियाणा और पंजाब में ये विरोध हो जाता है भाषा के आधार पर, भी पंजाबी क्षेत्र की भाषा जो है हिंदी क्षेत्र पर थोपी जाती है, इसलिए हिंदी क्षेत्र के लोग विरोध कर देते हैं, और उस समय के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने जो है एक समाधान का फार्मूला निकाला, जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको दिया गया सॉरी सच्चर फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया, सच्चर फॉर्मूला, और ये किसके नाम पर पड़ा, ये पड़ा पंजाब के उस समय के सीएम भीमसेन सच्चर के नाम पर। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, ये प्रश्न अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ज्यादा नहीं तो 20 से 25 बार पूछ चुका है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, तो सच्चर फॉर्मूला जो है वो कब लागू होता है, 1 अक्टूबर 1949 के दिन। कब लागू होता है, 1 अक्टूबर 1949 के दिन। ये प्रश्न बार बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछता है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, और जिस दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे उस दिन जो आपका किया हुआ संघर्ष, जिस समय जो आपने बुरे समय में संघर्ष किया है वो आपको एक बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंचा देगा। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए और मेहनत करते रहिए लगातार, जल्दी सीईटी होगा,
और आशा करूंगा कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं, इवन मैं भी, सब के सब सीईटी में जॉब पा लें। तो आई टॉपिक पर, इसके बाद बात आती है अप्रैल 1955 की। अप्रैल 1955 में क्या होता है कि प्रदेश के अंदर सीमा निर्धारण करने के लिए एक आयोग गठित होता है, और वो आयोग जो है वो रोहतक में विजिट करता है। कहाँ पर आता है? रोहतक में आता है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायकों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग रख दी आयोग के सामने। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना कि अप्रैल 1955 में रोहतक में आयोग आता है और आयोग के सामने कांग्रेस विधायकों ने मांग रख दी कि हमारा राज्य जो है वो अलग बने। ठीक है, आइए, आशा करता हूं जो अब तक पढ़ाया वो ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आयोग भारतीय सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। क्या नाम होता है? फजल अली आयोग, जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। और फजल अली आयोग इसलिए बोला जाता है कि इसके अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे फजल अली। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, ये प्रश्न भी बार बार अपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपरों में पूछा जाता है, और उम्मीद है कि आगे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, ये हुआ 29 दिसंबर 1953 के दिन। कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 के दिन। और ये प्रश्न अपने हरियाणा के पिछले कलर्क के पेपर में दो बार पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, फजल अली आयोग के गठन करने का सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या था कि इस आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिएगा। किसके आधार पर? भाषा और संस्कृति के आधार पर। तो भाषा और संस्कृति के आधार पर सबसे पहले अपने इंडिया लेवल पर आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो गठन हुआ था। किसके आधार पर? भाषा व संस्कृति के आधार पर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को अपने उस समय के पंजाब में 14 जुलाई 1956 के दिन लागू कर दिया। क्या किया? 14 जुलाई 1956 के दिन उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जिस हिसाब से इन्होंने क्षेत्र को बांटा था। लेकिन 1957 में उस समय के मुख्यमंत्री कैरो सिंह, कौन थे? कैरो सिंह ने इस रिपोर्ट को नकार दिया, यानी इस आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया, और ये आयोग जो है वो पूरी तरह से अपने हरियाणा में असफल रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैरो सिंह ने अपने हरियाणा पर पंजाबी भाषा को थोपने का काम किया, यानी हरियाणा के क्षेत्रों में पंजाबी भाषा इन्होंने अनिवार्य कर दी। कैरो सिंह ने अपने हरियाणा में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया। इसका जो है वो जगह जगह पर अपने हरियाणा में विरोध हुआ, जैसे आर्य समाज ने विरोध किया, उस समय की जनसंघ पार्टी उसने भी विरोध किया। किस किस ने विरोध किया इस चीज़ का? आर्य समाज ने, वह जनसंघ ने। किस किस ने? आर्य समाज व जनसंघ ने। और विरोध में जो है उस समय क्षेत्रीय समितियां भी बनी। ये प्रश्न भी बार बार अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछता है, इनके विरोध में जो है वो क्या बना? क्षेत्रीय समितियां। और इनमें से क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष कौन थे? वो थे बलवंत तायर। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ जाने की संभावना है। सॉरी, इसके बाद जो है वर्ष 1960 की बात आती है। क्या आती है? वर्ष 1960 की।
वर्ष 1960 में उस समय के सिख नेता मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह जी ने जो है वो पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया और इनके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है दूसरे नेता आते हैं जिनका क्या नाम होता है, फतेह सिंह नाम होता है। क्या नाम होता है? फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने जो है आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि जब तक हरियाणा व पंजाब अलग नहीं होगा वो अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ इसके कारण जो है इन्होंने अपना अनशन टाल दिया। ठीक है। इसके बाद जो है लगातार विरोध बढ़ता गया, लगातार अपने क्षेत्रों में लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि हरियाणा व पंजाब को अलग किया जाए। इसके बाद जो है अपनी हरियाणा सॉरी पंजाब सॉरी भारतीय सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम रहा जेसी साहा आयोग। क्या नाम रहा? जेसी साहा आयोग। जेसी साहा आयोग सबसे पहले इस पे बहुत बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक प्रश्न पूछ चुका है कि जेसी साहा आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 26 अप्रैल 1966 को। कब हुआ? 26 अप्रैल 1966 को। और इस आयोग में कितने सदस्य थे ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे जिनके नाम मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो सदस्य था खुद जेसी साहा, दूसरा था और तीसरा था एस। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? वो थे 3 सदस्य। ठीक है। इसके बाद जो है 31 मई 1966 के दिन ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है? इन्होंने जो है अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने क्या किया कि हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, जींद व अम्बाड़ा, नारायणगढ़, जगाधरी सहित खरड़ की तहसीलों को हरियाणा में मिलाने का काम किया। और ये तय हुआ कि 35% हिस्सा हरियाणा का होगा और बाकी बचा 65% हिस्सा पंजाब का होगा। और 1 नवंबर 1966 के दिन भारत में पंजाब को दो अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया जिनका नाम क्या रखा गया? हरियाणा व पंजाब। और इनकी संयुक्त राजधानी किसको रखी गई? चंडीगढ़ को। यानी 1 नवंबर 1966 के दिन चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा चुका है, दो चार बार जरूर पूछा गया है। यानी 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा व पंजाब को अलग कर दिया। और हरियाणा के जो स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 के दिन। और इसी दिन जो है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित कर दी। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था, हरियाणा का गठन कैसे हुआ। मैंने अच्छे से पढ़ाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है और वो बातें बताई है जो पेपरों में पूछी जा चुकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर विश्वास ना हो तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक उठा के देख लेना, वहां पर जो आज करवाया है वो पूरा का पूरा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो छूटा होगा क्लास में। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर क्लास में आपने एंजॉय किया, पढ़ाई के साथ साथ आपका मन लगा, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य टीचर्स की भी क्लास हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है,
तो वो क्लास भी आप आशा करता हूँ देखते होंगे, शेयर करते होंगे। आपका एक एक शेयर हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए जल्दी जल्दी क्लास लेके आएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।